नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के ऊपर दोस्तों। और ये कंपनी के ऊपर डिस्कस करने का बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि यहाँ पे बड़े सौदे हो रहे हैं और यहाँ पे जो चार्ट के ऊपर दोस्तों एक बड़े लेवल का बड़ा ब्रेकआउट आया है। आज आने वाले टाइम में क्या इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। प्रीवियसली हमने IDFC फर्स्ट बैंक डिस्कस किया और ब्राइटकॉम ग्रुप में बताया था कि दोस्तों गिरावट जो है वो कंटिन्यूअस हो सकती है और दोस्तों वो गिरावट कंटिन्यूअस चल रही है। कौन से लेवल पे जाके रुक सकती है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अगर बात करें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का, 17.35 का प्राइस है, 8.78% का अपसाइड मूवमेंट एक ही दिन के अंदर दिया है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि इतना बड़ा जंप मारना पड़ा इस कंपनी को। 5 दिन की अगर बात की जाए तो 8.8% का दोस्तों मोमेंटम आ रहा है अपसाइड मोमेंटम में, और एक मंथ के अंदर बात करें तो 19% से भी ज्यादा का रिटर्न दे दिया है इस स्टॉक ने। 6 मंथ के अंदर बात करें तो 2% का रिटर्न है और 1 साल के अंदर 23.49% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर बात की जाए तो 25.44% का रिटर्न है और लॉन्गर टर्म में बात की जाए तो 1.552% का रिटर्न है दोस्तों। एक जमाने में दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्राइस था स्टॉक का और उसके बाद काफी अच्छा करेक्शन भी आया, पैनिक स्टॉक बन गया और फिर वापस से अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनता है कि नहीं, क्या इंपोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कंपनी जो है वो दोस्तों ब्रिज बनाती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोस्तों, उसमें बहुत सारा कंपनी ने कारोबार में काम किया हुआ है दोस्तों। अगर देखा जाए कि कंपनी ने टनल्स भी बनाए, दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में भी उसका पार्टिसिपेशन था, 4036 किलोमीटर का दोस्तों हाईवे बनाया है, तो बहुत ही बढ़िया है। और 60% ऑफ इंडिया इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट कैपेसिटी बनाई है, 395 किलोमीटर ऑफ टनल्स बनाई है और 26% ऑफ इंडिया इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी बनाई। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही अच्छे काम किया है, और इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बोरीवली सी लिंक है दोस्तों, वो इसी कंपनी ने बनाया है। अगर फंडामेंटल्स के ऊपर नजर डाले तो कैसी कंपनी है, तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जिसका NSE का कोड है SCC, जिसका मार्केट कैप है 2618 करोड़ का है और मार्केट प्राइस जो है अभी का 170.3 है, 52 वीक हाई 22.7 है, तो अपने हाई के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू नेगेटिव चल रही है दोस्तों। कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो डेब्ट का प्रॉब्लम है, 5512 करोड़ का डेब्ट है, बहुत ही ज्यादा दोस्तों डेब्ट है। EPS नेगेटिव है, ROC अगर देखे तो 70% अच्छा माना जाएगा और इंडस्ट्री का PE दोस्तों 29.6 है। और यहाँ पे आप देखेंगे रिटर्न देखेंगे 3 साल में तो 58.4% है, चेंज इन FII होल्डिंग देखेंगे तो -0.38 और DII ने बहुत ही ज्यादा माल बेच दिया है दोस्तों। अगर यहाँ पे और क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करें तो इसका ये रीजन था कि दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट जो आया उसमें सेल्स जो है 3094 करोड़ का हुआ है, यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर में जबरदस्त जंप देखने को मिला है। ईयर टू ईयर में आप बोल सकते हैं थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम रेवेन्यू के अंदर आया है, बट एक्सपेंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर टू क्वार्टर में काफी पॉजिटिव आया है दोस्तों। उसकी वजह से जो कंपनी लॉस में चल रही थी वो प्रॉफिट में आ चुकी है और इसकी वजह से मार्केट में अपसाइड मोमेंटम दिखाई। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था और यहाँ पे टैक्स जो था 66% था, यहाँ पे -1% हुआ, इसके लिए ये प्रॉफिट दिख रहा है। बाकी ईयर टू ईयर में दोस्तों इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो कंपनी में डेप्टर डेज सिर्फ इम्प्रूव हुए 717 से लेके 80.8 डेज के हुए, और कंपनी का जो दोस्तों नेगेटिव बात है वो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ है ओवर अ पास्ट 5 ईयर्स, प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही लो है 18.6% है, कंटेनमेंट लायबिलिटी 7797 करोड़ का है, प्रमोटर प्लेस किया है 85.3 ऑफ देयर होल्डिंग, अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम 474 करोड़ का है। कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है बहुत ही ज्यादा हाई है और प्रमोटर होल्डिंग है वो डिक्रीज हुआ है ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर की जाए तो सेल्स आप देखेंगे दोस्तों 2018 में था 10,132, 2019 में था 10,544, तो थोड़ा आप आया कोरोना के बाद नीचे आया, फिर बहुत ज्यादा नीचे आया, फिर दोस्तों एक जबरदस्त अपसाइड है। बट ओवरऑल 2023 में दोस्तों 2022 से काफी कम आया हुआ है दोस्तों। और जो कंपनी है कुछ साल लॉस में होती है फिर प्रॉफिट में आ जाती है, फिर लॉस में आती है, फिर प्रॉफिट में आती है, फिर लॉस में आती है, तो आप बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल इतने तगड़े नहीं है दोस्तों, इसके लिए प्राइस भी पनिशमेंट होती है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डाले तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 18.59% का है, एफआईआई के पास होल्डिंग जो है वो 12.29% है और एफआईआई जम के खरीदारी कर रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से। सामने डीआईआई अपना खरीदारी कम कर रहे हैं, 12.45% का अभी का होल्डिंग है, पब्लिक के पास होल्डिंग है 56.66% का और अभी चेतन जैन दीदीलाल शाह के पास 1.32% का होल्डिंग है। दोस्तों ये हुआ दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, टेक्निकल क्या बता रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर, यहाँ पे आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि स्विंग लो से लेके हमने स्विंग हाई को कनेक्ट किया है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61.8% का रिट्रेसमेंट है 16.95 जो बहुत ही अहम लेवल है। क्यों अहम लेवल है उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों स्टॉक ने अप रैली दिखाई दोस्तों, ये हमने कवर किया था उस टाइम में और बहुत ही बढ़िया दोस्तों नवंबर में ये स्टॉक ने अच्छे हाई बनाए और क्विक हाई बनाए थे और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन बड़ा बड़ी कैंडल बन गई और आप देख सकते हैं बेरिस एंगल्फिंग पूरा बन गया दोस्तों और उसके बाद कंटिन्यूअस स्टॉक में गिरावट आई। तब 61.8% के रिट्रेसमेंट से वापस से स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आया, फिर वहां पे दोस्तों 23.6% का लेवल जो गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट को तोड़ दिया, होल्ड करने की कोशिश की, वापस से नीचे आया 38.2 पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर उस लेवल को भी तोड़ दिया जहां पे वो रुक सकता था। फिर दोस्तों जो 13.40 का लेवल था उसी को भी तोड़ के दूसरे दिन उसको अपसाइड आया और फिर कंटिन्यूअस एक अपसाइड मोमेंटम में जा रहा है। बट यहाँ पे ये लेवल है 16.95, यहाँ पे कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस जोन कर रहा था उसको बड़ी ताकत के साथ और वॉल्यूम आप देखेंगे तो बड़ी वॉल्यूम के साथ अपसाइड मोमेंटम आई हुई है दोस्तों। अब इतना बड़ा वॉल्यूम कैसे बढ़ गया दोस्तों, जब भी प्रीवियसली भी ऐसे वॉल्यूम में दोस्तों उछाल आए हैं तो फिर दूसरे दिन भी दोस्तों उसने उछाल दिखा है स्टॉक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं उछाल आए थे फिर एक बड़े उछाल दिखा है दोस्तों स्टॉक में, यहाँ पे उछाल आया था फिर एक स्टेडी मूवमेंट है फिर उछाल दिखाया था। तो इतना बड़ा दोस्तों बढ़ने का रीजन क्या है वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा 19 मई 2023 यानी कि कल का डे है जहाँ पे सिटाडेल सिक्योरिटी इंडिया मार्केट प्राइवेट लिमिटेड ने सेल किए शेयर 25,43,014, बट बाई कितने की है 77.99, ऑलमोस्ट 50 लाख का क्वांटिटी उनके पास अभी भी पड़ा हुआ है दोस्तों पॉजिटिव नोट के ऊपर दोस्तों। तो ये बड़ा ट्रेड है उनका और अभी तक पूरा वर्कआउट नहीं हुआ है दोस्तों। अगर वो बेचने के लिए बैठेंगे तो एक लेवल है दो है हमारा बहुत ही अहम लेवल 61.8% का 16.95, तब थोड़ा नीचे 16.70 के आसपास स्टॉप लॉस रखा सकते हैं और फिर यहाँ पे 18 के लेवल हमें आने वाले टाइम में दिख सकते हैं, उसके बाद 19.15 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट टाइम भी जैसे इसको तोड़ा था फिर एक अच्छा लेवल बना था तो यहाँ पे भी बड़े रेजिस्टेंस का बड़ा ब्रेकआउट बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे रिटेस्ट करके एक दोबारा अपसाइड मोमेंटम आपको दिखा सकता है ये स्टॉक दोस्तों। ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है दोस्तों और अभी तक आपने एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है जहाँ पे फ्री में दोस्तों आपको दोस्तों 1 साल का दोस्तों एएमसीबी फ्री है और फ्री ब्रोकरेज का ऑफर चल रहा है, उसका जरूर से आप लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।